नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बड़े प्रॉब्लम की सलूशन देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, अगर आपका फ़ोन 20 सेकंड बाद, 25 सेकंड बाद या आधे घंटे बाद अपने आप कट जाता है तो यह वीडियो आपके लिए है। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहे, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा आप अपने फ़ोन में कीजिए, आपका फ़ोन ठीक हो जाएगा और आपका फ़ोन बीच में कभी नहीं कटेगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, मैं जैसे जैसे करूँगा वैसे वैसे आप करिए अपने मोबाइल में। ठीक है दोस्तों, देखिए आपका फ़ोन सही में अगर 20 सेकंड बाद, 25 सेकंड बाद या 10 सेकंड या 15 सेकंड अपने आप कट जा रहा है बिना कुछ दबाए, तो ये कीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप देखिए सेटिंग्स में जाइए। ठीक है, सेटिंग्स में जाने के बाद ऐप्स में जाइए, यहाँ ऐप्स का ऑप्शन देख पा रहे हैं आप। ठीक है, ये ऐप्स का ऑप्शन में जाइए। ठीक है, ऐप्स में जाने के बाद देखिए आपको जो कॉल का जो आइकन बना रहता है उसमें जाना है। देखिए ये सैमसंग का फ़ोन है तो इसमें देखिए यहाँ तो शो नहीं कर रहा, कॉल का जो आइकन होता है ना वो यहाँ शो नहीं कर रहा सैमसंग में। तो कहाँ जाना है वो देखिए, इस तरह ट्रू कॉलर मैंने डाउनलोड किया तो इस तरह का, लेकिन इसका फ़ोन का जो अपना कॉल का जो आइकन है उस तरह का आना चाहिए जैसे ट्रू कॉलर में आ रहा है, वैसा फ़ोन को फ़ोन का अपना आइकन आना चाहिए। तो देखिए यहाँ तो है नहीं, तो देखिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ जो तीन डॉट यहाँ बना हुआ है ये तीन डॉट में यहाँ पे क्लिक करूँगा। देखिए यहाँ पे बता रहा शो सिस्टम ऐप्स, तो इसमें आपको जाना है। ठीक है, ठीक है, इसमें गए आप देखिए आपको वो ढूँढना है जो कॉल का आइकन है ना, जो फ़ोन का अपना होता है वो आपको खोजना है। देखिए मैं खोजता हूँ कहाँ है, देख रहा हूँ, देखिए मिल जाए तो अच्छा है जल्दी। देखिए यहाँ मिल गया मुझे, देखिए तीन तीन आइकन है। ठीक है, जो फ़ोन का जो आइकन है ना तीन तीन यहाँ पर दिया गया है, तो तीनों में आपको वही करना है। देखिए इसमें जाना है पहला वाला में, यहाँ पे फोर्स स्टॉप कर देना आपको। ठीक है, फोर्स स्टॉप, फोर्स स्टॉप कर देना है। ठीक है, मैंने कर दिया, वैसे ही फिर आपको सेकेंड में आना है। सेकेंड में आने के बाद यहाँ भी फोर्स स्टॉप कर देना है। तीसरा वाला मैं आऊँगा, यहाँ भी फोर्स स्टॉप कर दूँगा यहाँ पे। देखिए मेरे फ़ोन में तीन तीन बता रहा था, आपके फ़ोन में अगर एक बताएगा तो आप एक ही में कीजिए, किसी में चार बताएगा तो चार में, चारों में कीजिए। ठीक है, इस तरह से कीजिए, आपका जो फ़ोन का जो सेटिंग्स है वो नॉर्मल हो जाएगा और पहले जैसा हो जाएगा, और आपका फ़ोन जो है कॉल ड्रॉप होगा नहीं, 15 या 20 सेकंड या आधे घंटे पे कॉल ड्रॉप आपका नहीं होगा, फ़ोन आपका पहले जैसा हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। धन्यवाद।